अर्ज किया है। कई लोगों के सवाल रहते हैं कि क्रिप्टो वोलेटिलिटी से हम भाई बेहाल रहते हैं, अब क्या करें जनाब, चीज ही कुछ ऐसी है, नफा मुनाफा तो साथ रहते हैं। टैलेंटेड ट्रेडर्स और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका बायोकॉइन चैनल पर। और आज हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि क्यों है क्रिप्टो करेंसी मार्केट इतनी ज्यादा वॉलेटाइल। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर ए से, सप्लाई और डिमांड। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा और सुना होगा कि कभी कभी बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है, जैसे कि आजकल पड़ रही है, और उसकी वजह से किसी किसी जगह पर सूखा पड़ जाता है, जिसमें खेती में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। फसल की डिमांड लेकिन उतनी ही रहती है बाजार में, पर वो उस वजह से, उस बड़ी डिमांड की वजह से उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, उसके दाम बढ़ जाते हैं। और यही सिनेरियो है कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी। अब आप बिटकॉइन को ले लीजिए, बिटकॉइन की सप्लाई उसकी माइनिंग से डिपेंड करती है, कितनी माइनिंग हो रही है, कितने नए बिटकॉइंस क्रिएट करे जा रहे हैं, और खासकर उसकी सप्लाई इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि उस प्रोजेक्ट का, उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट का टीम लीडर या प्रोजेक्ट लीडर कौन है, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार नए नए टोकन रिलीज कर सकता है मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए। और जैसे जैसे किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा फैलती है मार्केट में, उसका प्राइस बढ़ना उस अवेयरनेस के मुताबिक तय होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदना चाहते हैं। तो ये था एक पॉइंट जिसकी वजह से वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, जो कि है सप्लाई एंड डिमांड। तो दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ कंट्रोलिंग एजेंसी। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर नहीं आती और कोई भी इसको सेंट्रली कंट्रोल नहीं करता, वैसे जैसे इक्विटी और बॉन्ड्स को किया जाता है, स्टॉक मार्केट को किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है जिसकी वजह से इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। जहाँ तक बात करें इंडिया की, तो इंडियन गवर्नमेंट अभी थोड़ा सा टाइम मांग रही है इस टेक्नोलॉजी को समझने में, और आने वाले टाइम में हम लोग एक अच्छी रेगुलेशन पॉलिसी एक्सपेक्ट भी करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से। एक मेजर रीजन क्रिप्टो जगत में लोगों का भारी मात्रा में जुड़ने का ये भी है कि क्रिप्टो करेंसी आपको एज अ यूजर एनोनिमिटी प्रोवाइड करती है। तो दूसरा रीजन हमारा सबसे बड़ा था लैक ऑफ कंट्रोलिंग एजेंसी, कि कोई भी इसको सेंट्रली क्योंकि कंट्रोल नहीं करता, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, इसकी वजह से भी इसके प्राइसेस भारी मात्रा में फ्लक्चुएट और वेरी होते हैं, इसीलिए ये वोलेटाइल है। तीसरा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जब भी किसी भी ब्लॉकचेन में कोई नया टोकन क्रिएट किया जाता है, कोई नया कॉइन क्रिएट किया जाता है, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किया जाता है जिसको हम कहते हैं माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। अब जो इनको क्रिएट करने वाले होते हैं उनको कहते हैं माइनर्स। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी एंटिटी होती है पूरी ब्लॉकचेन में, पूरे क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में माइनर्स, जो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क को रन करते हैं। अगर वो रन ना करें तो ब्लॉकचेन नेटवर्क आए और चला जाए, लेकिन माइनर्स की इम्पॉर्टेंस अपनी जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लोग यूज़ करते हैं हैवी कंप्यूटर इक्विपमेंट्स और मशीनरीज, ताकि वो मैथमेटिकल इक्वेशंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें, और उसके लिए ज़्यादा कंज्यूम होती है इलेक्ट्रिसिटी और पावर भी, जिसकी वजह से जब माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता है ब्लॉकचेन नेटवर्क से क्रिप्टो करेंसी माइन करने के लिए, तो जैसे जैसे वो रिवॉर्ड जितना उनका ज़्यादा होता जाता है, उसी हिसाब से क्रिप्टो करेंसी का प्राइस भी बढ़ता है। और हमारा चौथा पॉइंट है इस कड़ी में सेंटिमेंट इफेक्ट, सेंटिमेंटल फैक्टर। हम ह्यूमंस जो हैं वो बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, सेंटिमेंट्स पे काम करते हैं। और फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जितने भी फाइनेंशियल मीडियम्स हों, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे फिर क्रिप्टो मार्केट हो, ये सब हम ह्यूमंस ही रन करते हैं। और अगर हम ह्यूमंस रन करते हैं तो हमारे अंदर तो सेंटिमेंट्स हैं, सेंटिमेंट से मेजरली सारी मार्केट्स रन होती हैं और प्राइसेस चीज़ों के वेरी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कहूँ कि जैसे एक बहुत बड़े बिलियनर हैं जिनका नाम है इलॉन मस्क, अगर वो एक ट्वीट कर दें किसी कॉइन का नाम लिख के, तो पूरी की पूरी भीड़ उस कॉइन को खरीदने, परचेज करने दौड़ पड़ती है और कर लेते हैं, जिससे कि उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका उस इंसान में इंटरेस्ट है, उस इंसान को वो सीरियसली लेते हैं, एक सेंटिमेंट जुड़ा है उसके साथ, इसीलिए उन्होंने वो सारा का सारा परचेज कर लिया उनके बोलते ही और प्राइस कॉइन के बढ़ गए। तो वहीं दूसरी तरफ किसी भी एक र्यूमर के चलते, जो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के थ्रू आया, उस र्यूमर के चलते लोग कभी कभी लाखों हजारों में अपने फंड्स विड्रॉ भी कर लेते हैं किसी किसी कॉइन से, जैसा हमने हाल ही में लूना के केस में देखा।
और उस कॉइन के प्राइस बहुत ज़्यादा फिर गिर भी जाते हैं। तो सेंटिमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ये दिखाता है, साबित करता है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो आ गए हैं वीडियो के एंड में, लेकिन जाने से पहले आपको ये बता दें कि वॉलेटाइल मार्केट जितनी ज़्यादा रिस्की होती है उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और ये जानने के लिए तो आपको साइनअप करना पड़ेगा बायोकॉइन की ऐप पर और जाकर शुरू करनी पड़ेगी ट्रेड। और तब भी अगर कहीं आपको लगता है कि क्या फ़ायदे होते हैं वॉलेटाइल मार्केट के, टेंशन ना, एक डेडिकेटेड वीडियो आ रही है नेक्स्ट के हाउ टू अर्न प्रॉफिट्स इन द वोलेटाइल क्रिप्टो मार्केट, उसका आप वेट करिएगा। लेकिन तब तक साइनअप कर लीजिए, क्योंकि साइनअप करने पे आपको मिलेंगे 100 रुपीज के बिटकॉइन बिल्कुल मुफ्त में। और साथ ही साथ बायोकॉइन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए। साइनिंग ऑफ, तुषार बख्शी दिस साइड। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड NFTs आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की। देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकोर्स फॉर एनी लॉस फ्रॉम सच ट्रांजैक्शंस।